अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 करवाऊंगी। तो ये इसके चार क्वेश्चंस रह गए थे, ये मैं आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। इससे प्रीवियस मैंने तमाम तर क्वेश्चंस 8 तक, क्वेश्चन 1 से 8 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। एक्सरसाइज 3.1 और 2 भी कंप्लीट सॉल्व करवा दी है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये कहा गया है स्पीड ऑफ एयर प्लेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। अब दो चीज़ें हैं, एक स्पीड है और दूसरा टाइम है। स्पीड को वी से डिनोट करते हैं और टाइम को टी से। स्पीड जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। स्पीड की वैल्यू और टाइम की वैल्यू पहले दी गई है, वी 100 है, टाइम 10 है, सॉरी 15 है, तो फिर हमने के फाइंड कर लेना है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ एयरप्लेन टू रीच द टारगेट। एयरप्लेन जब अपने टारगेट पर पहुँचता है टाइम लगता है उसको 20 सेकंड, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, फाइंड द स्पीड, तो स्पीड फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, स्टार्ट से सॉल्व करते हैं इसको। स्पीड ऑफ एयरप्लेन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। स्पीड को एस से डिनोट करेंगे जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी वी से, स्पीड को वी से डिनोट करते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टाइम के है। अब वी की वैल्यू गिवन है स्पीड की 100 और टाइम गिवन है 15 सेकेंड, तो पहले यहाँ से इन्वर्सली का अगर साइन हटाएं तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट यानी कि के कहते हैं, तो के ओवर टी आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर वी की वैल्यू बताई गई है 100, इसको नाम दे देंगे एक महीने नंबर 1 का। वी की वैल्यू है 100, स्पीड है तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, और टाइम की वैल्यू है 15 सेकेंड, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, इस वजह से यहाँ पे सेकंड गिवन था। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके के फाइंड कर लेंगे। वी की जगह पे आ जाएगा 100 इज इक्वल टू के ओवर टी, टी की जगह पे 15, तो यहाँ से के फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 15। यहाँ पे 1 लिख लिया बटे में, जहाँ कोई वैल्यू ना हो वहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो अब 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1500, तो के की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1500। अब इसके बाद क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द स्पीड, वी फाइंड करें, टाइम कितना हो, 20 सेकंड हो। तो क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि स्पीड फाइंड करें, वी फाइंड करना है और टाइम दिया गया है, टाइम 20 सेकंड है, 20 सेकंड, 20 सेकंड है, और के की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, के की वैल्यू 1500 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 ये है वी इज इक्वल टू के ओवर टी, यहाँ पे के और टी की वैल्यू पुट करके स्पीड यानी कि वी फाइंड कर लेंगे, तो के की जगह पे आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई टी जो कि 20 है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, 0 0 से कैंसल आउट, अब 2 7 ज़ार 14, 2 के टेबल पे कटिंग कर सकते हैं, 14 यहाँ तो 15 था, एक बचे का यहाँ आया 10, 2 5 ज़ार 10, तो वी स्पीड यानी कि इसका आंसर आ गया 75, और स्पीड का यूनिट हमें पता है कि ये होता है मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ये कहा गया है 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल। 15 वर्कर्स हैं जो एक दीवार बिल्ड करते हैं, तामीर करते हैं 25 दिनों में। अब इस क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे फिर सेकंड पार्ट। पहला पार्ट क्या है, हाउ मैनी वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स फाइंड करें, आर नीडेड टू कम्प्लीट द वॉल इन 10 डेज। पहले डेज कितने थे, 25, तो 15 वर्कर्स थे। अगर 10 दिन हो तो फिर कितने वर्कर्स होंगे, ये फाइंड करना है। तो दो चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं, पहले तो हम लिख लेते हैं कि एक तो इसमें वर्कर्स है और दूसरा डेज है। तो पहले कितने वर्कर्स थे, 15 वर्कर्स थे, हाउ मैनी वर्कर्स, फिर हमने वर्कर्स फाइंड करने हैं। 15 वर्कर्स थे तो दिन कितने थे, 25 दिन थे। हाउ मैनी वर्कर्स, वर्कर्स फाइंड करने हैं, टू आर नीडेड टू कम्प्लीट द वॉल इन 10 डेज, डेज कितने हैं, 10 है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्ट में एरोज लगाते हैं सेम डायरेक्शन में, और इन्वर्स में ओपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर एक डाउनवर्ड, यानी कि एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड एरो लगाते हैं। इन्वर्स में डायरेक्ट हो तो या तो दोनों डाउनवर्ड या फिर दोनों अपवर्ड लगाते हैं। तो पहले चेक करते हैं कि ये इन्वर्स है या डायरेक्ट है। तो 15 वर्कर्स हों, वो 25 दिनों में एक दीवार बनाती हैं। अब दिन अगर कम कर दिए जाएँ 25 की बजाय, तो फिर वर्कर्स कितने करने पड़ेंगे, ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से एक चीज़ अगर कम हो रही है, दिन कम हो रहे हैं, तो फिर वर्कर्स ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे। एक चीज़ कम हो रही हो, एक बढ़ रही हो, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अब दोनों एरोज एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, तो मैं इस पहले वाले को अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड लगा देती हूँ।
इस हिसाब से अब हमने इसकी इक्वेशन बना कर यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करने दी है। इसको डाउनवर्ड इसको अपवर्ड भी कर सकते थे, बट दोनों एरोज ऑपोजिट होने ज़रूरी हैं क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन था। एक वैल्यू कम और दूसरी बढ़ रही है, क्योंकि जब 10 दिन होंगे तो फिर वर्कर ज़्यादा होंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये नीचे से एरो ऊपर जा रहा है तो एक्स ओवर 15 आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन इज इक्वल टू, अब ये ऊपर से नीचे है तो पहले 25 आएगा, 25 ओवर 10, क्योंकि x फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों को और इन दोनों को। 10x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 15, तो 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 375, क्योंकि x फाइंड करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 375, x के साथ 10 मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, तो अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट्स में आंसर आएगा, इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो कैलकुलेटर पर जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 37.5, जिसको राउंड अबाउट 38 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि फिर कितने वर्कर्स होंगे, 38 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे अगर दिन कम कर दिए जाएं। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि 15 वर्कर 25 दिनों में एक दीवार बनाते हैं, अगर दिन कम कर दिए जाएं तो फिर वर्कर्स कितने होंगे, जाहिर है जब दिन कम होंगे तो फिर कितने वर्कर्स होने चाहिए, 38 वर्कर्स होंगे तो वो 10 दिनों में ये दीवार बना सकेंगे। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर टू, अब इसमें ये कहा गया है 15 वर्कर्स एक दीवार को 25 दिन में बनाते हैं, वही लाइन जो फर्स्ट पार्ट में थी सेम। अब पार्ट नंबर टू में ये कहा गया है इन हाउ मैनी डेज विल 12 पीपल, यानी कि पीपल मतलब यहाँ पे वर्कर्स ही हैं, अगर वर्कर्स 15 के बजाय 12 कर दिए जाएं तो फिर कितने इसमें दिन लगेंगे इसी काम को करने में, यानी कि उसी वाल को तैयार करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले वर्कर्स कितने हैं 15 और दिन कितने लग रहे हैं एक दीवार तैयार करने में 25। इन हाउ मैनी डेज विल 12 पीपल, यानी कि वर्कर्स अगर कम कर दिए जाएं तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है अगर वर्कर्स कम हो तो फिर हमने डेज यानी कि फाइंड कर लेने हैं। इन हाउ मैनी डेज 12 पीपल हैं, तो 15 की बजाय अब 12 वर्कर्स हो गए, डेज हमने फाइंड करने थे। तो पहले 15 लोग 25 दिनों में काम कर रहे थे, अगर वर्कर्स कम होंगे तो फिर दिन क्या होंगे ज़्यादा, और अगर वर्कर्स बढ़ रहे हैं दिन कम हो रहे हैं, एक चीज़ बढ़ रही है कम हो रही है, तो फिर ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होता है। एक एरो अपवर्ड लगा देंगे और दूसरा डाउनवर्ड, यानी कि ऑपोजिट साइन लगाने हैं। तो अब इसकी इक्वेशन बना लेंगे, तो ये नीचे से ऊपर है तो 12/15 हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर था इसलिए 12 पहले आया है। अब यहाँ से एरो इस तरह आ रहा है तो 25 पहले आएगा, 25 ओवर एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स फाइंड कर लेंगे, 12x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 15, तो 25 को जब 15 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 375 आता है, क्योंकि एक्स फाइंड करना है तो 375 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पर तो पॉइंट्स में इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आता है 31.25, जिसको राउंड अबाउट 32 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है कितने दिन रिक्वायर्ड होंगे, 32 डेज होंगे, अगर वर्कर्स 15 की बजाय जब 12 किए जाएंगे तो दिन 25 की बजाय 32 यानी कि 32 दिन लगेंगे वही काम करने में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट प्रेशर ऑफ 100 पास्कल इज 15 मीटर क्यूब। गैस है जिसका वॉल्यूम और प्रेशर गिवन है, तो इसका जो वॉल्यूम है ये गिवन है 15 मीटर क्यूब, और जो प्रेशर है ये गिवन है 100 पास्कल, 100 PA पास्कल प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट प्रेशर ऑफ 150, अगर प्रेशर 150 पास्कल हो तो फिर वॉल्यूम क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर कितना है ये 150 पास्कल है। अब इसमें दो प्रेशर दो वॉल्यूम हैं, तो पहले वाले को P1 का नाम दे देंगे, दूसरे वाले को V2 और P2 का नाम दे देंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमने सिंपल बॉयल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, तो ये केमिस्ट्री के अंदर है बॉयल्स लॉ, डिटेल से आप लोगों ने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ क्या होता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये दोनों वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करते हुए हम ये जो सेकंड वॉल्यूम V2 है ये फाइंड कर सकते हैं। P1 क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो कि 100 है, मल्टीप्लाई V1 15 है, P2 सेकंड प्रेशर ये 150 पास्कल है, मल्टीप्लाई V2 फाइंड करना है तो V2 को एज इट इज़। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 15 से,
तो आंसर आ जाएगा 1500। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1500 इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई V2, क्योंकि हमने ये वॉल्यूम V2 फाइंड करना है, तो V2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 1500 ओवर 150, ये ज़ीरो इससे कैंसिल आउट, 15 वन ज़ार 15 और साथ ज़ीरो 10 आ जाएगा। तो सेकंड जो इसका वॉल्यूम V2 था, ये 10 मीटर क्यूब, या इसको 10 यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। के बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 12। y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x, देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। x और y पहले दोनों गिवन है, यहाँ से हम k फाइंड कर लेंगे, फिर x गिवन है, y फाइंड करना है। x गिवन है तो y क्या होगा, अगर y 4 है तो फिर x क्या होगा, अगर y 12 x क्या होगा, इसी तरह फिर ये दोनों x की वैल्यूज, तो यहाँ पे y फाइंड करना है। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से हम 3.2 में कर चुके हैं इससे पहले भी। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x के, तो इन्वर्सली का जब साइन हटाएंगे इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको k का नाम देते हैं। तो ये इक्वेशन अब इस तरह से बन गई, y इज इक्वल टू के ओवर x, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, सारी वैल्यूज इसी के अंदर पुट करके निकालेंगे। अब सबसे पहले x 12 है, और ये क्वेश्चन के अंदर पहली वैल्यू है x 12 y 3, तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, y की जगह पे 3 पुट कर देंगे k इसी तरह, और x की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, क्योंकि k फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, k इज इक्वल टू 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ार 36, ये k का आंसर आ गया। तो k की वैल्यू आ गई 36। अब नेक्स्ट जो टेबल में अगली वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू गिवन है 9, y फाइंड करना है, और k पहले हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 36 है, तो इन सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। y फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y इज इक्वल टू k की जगह पे 36 और x की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, और 9 4 ज़ार 36 होता है, इसका मतलब है y का आंसर क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे आप टेबल इस तरह से बन जाएगा कि जब x 9 हो तो y का आंसर क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, y का आंसर 4 हो गया, क्योंकि ये टेबल कंप्लीट करना है। अगर x 6 हो तो फिर y क्या होगा, आप क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि अगर x 6 हो देन y क्या होगा, x 6 हो y फाइंड करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू k ओवर x, y इज इक्वल टू k की वैल्यू 36 ओवर x, x 6 है, 6 6 आर 36, तो सो देयर फोर y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट किया है, तो y का आंसर 6 आ गया। x अगर 6 हो तो y का आंसर भी 6 होगा। अब y 4 है तो x फाइंड करना है, y 4 x फाइंड करना है, k यहाँ पे हमें पता है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके। अब क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट जो टेबल में वैल्यू दी गई है, उसमें y की वैल्यू गिवन है 4 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू k ओवर x, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y 4 है इज इक्वल टू k ओवर x, k 36, x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x इज इक्वल टू 36, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 36 ओवर 4, 4 9 ज़ार 36, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9। तो अब इसको टेबल में पुट कर देंगे, y गिवन था तो हमने x फाइंड कर लिया, इसका मतलब है जब y 4 था तो x का जो आंसर आया है ये 9 आ गया है। अब y 12 हो फिर x क्या होगा, अब ये फाइंड करेंगे। अब टेबल में जो अगली वैल्यू है ये है y 12 और x फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू k ओवर x, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स y की जगह पे 12, k की जगह पे 36 ओवर x, इसी तरह लिख लेंगे क्योंकि x फाइंड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे इसके बाद कर रही हूँ, 12x इज इक्वल टू 36 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x फाइंड करना है, ये आ जाएगा 36 ओवर 12, और 12 3 ज़ार होता है 36, सो x का जो आंसर है वो 3 आ गया। इसका मतलब अगर y 12 हो तो फिर x कितना होगा, 3 होगा, तो टेबल के अंदर पुट कर देंगे, अगर y 12 हो तो x का आंसर क्या आया है, 3 आया है। अब इसके बाद ये दो वैल्यूज़ रह गई हैं, इसके बाद टेबल में नेक्स्ट वैल्यू x गिवन है 3, y फाइंड करना है, k 36, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू k की जगह पे 36 ओवर x की जगह पे 3, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6, तो इसका मतलब है y का आंसर 12 आ जाएगा। तो टेबल के अंदर पुट कर देंगे, अगर x 3 हो तो y कितना होगा, अगर x यहाँ पे 3 पुट किया तो y का आंसर 12 आ गया। अब इसके बाद ये वैल्यू रह गई है, अगर x 1 हो तो फिर y क्या होगा, लास्ट वैल्यू रह गई है,
अगर एक्स वन हो तो फिर वाई का आंसर क्या होगा। तो इक्वेशन नंबर वन है वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स, वाई इज इक्वल टू के की जगह पे 36, एक्स की जगह पे 1, तो 36 ओवर 1 36 ही आएगा।